हेलो माय डियर फैमिली, क्या हाल चाल है भाई सबके। शाम के 7 बज चुके हैं, यानी कि आपका भाई आ चुका है एक और नया एपिसोड लेके, एंड दिस इज एपिसोड नंबर 215। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की अपनी सबसे पहली अपडेट है बड़े मियां छोटे मियां मूवी से, जहां इसका ट्रेलर 26 मार्च को ड्रॉप किया जाएगा, तो नोट कर लो इसको अभी के अभी। इसके अलावा बात करें तो मूवी का सेकेंड सॉन्ग भी ड्रॉप हो चुका है, आपने सुना ही होगा, नाम है वल्ला हबीबी। अगर नहीं देखा है तो देख कर जरूर से बताना कि आपको कैसा लगा। बाकी इसके पोस्टर को लेकर भी सोशल मीडिया के ऊपर काफी मजाक चल रहा है भाई। कुछ लोगों का कहना है कि भाई पोस्टर भी इन्होंने कॉपी किया है। अब कहां से कॉपी किया है इसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एनीवे, इस सॉन्ग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी शेयर की गई है, जहां ये रिवील किया गया है कि इस सॉन्ग की शूटिंग जॉर्डन में हुई है, जहां का टेम्परेचर 4 डिग्री था, पर तेज हवाओं की वजह से इफेक्टिव टेम्परेचर 2 डिग्री तक चला जाता था। और ऐसे हालातों में भी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने अपना बेस्ट दिया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सिनेमा के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मैं यहां बात कर रहा हूं मूवी रिव्यूज की, जहां मूवीज का एक बहुत बड़ा पार्ट है मूवी रिव्यूज। ये बात तो आप भी मानोगे कि आजकल मूवी रिव्यूज को देख के ही ऑडियंस डिसाइड करती है कि उनको मूवी देखनी चाहिए या नहीं, ये मूवी उनके लिए है कि नहीं, मूवी कौन से जॉनरा की है, मूवी किस बारे में है, वगैरह वगैरह। तो मूवी रिव्यूज से रिलेटेड एक केस केरला हाईकोर्ट में सबमिट हुआ है, जहां इस केस में डिमांड की गई है कि मूवी रिव्यूज के अपलोड्स पर रोक लगा दी जाए और मूवी के रिलीज होने के 48 घंटे बाद ही कोई भी पर्सन रिव्यू पोस्ट करे, उससे पहले नहीं। अब इस पर कोर्ट का तो कोई डिसीजन अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन मेरे ओपिनियन से इस चीज का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप यार। ये डिमांड करने वाले भाई साहब का कुल मिला के कहना ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट मार्केट में रखेंगे, लेकिन जब तक पब्लिक इस प्रोडक्ट को यूज ना कर ले तब तक कोई बोलेगा नहीं कि प्रोडक्ट कैसी है। वाह जी वाह, कमाल की डिमांड है। उससे अच्छा मेकर्स को इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ही ऐसी हो कि रिव्यूज अच्छे आए भाई। और जो लोग अपने प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, यूजुअली वही लोग ऐसी डिमांड्स करते हैं। अरे अरे चलो मान लो, इन केस अगर आप रिव्यू वीडियोस को बंद करवा भी देते हो तो वर्ड ऑफ माउथ को कैसे रोकोगे? ये भी बंद करवा दोगे क्या कि थिएटर में से बाहर आके कोई भी बात नहीं करेगा कि मूवी कैसी है 48 घंटों तक? एनीवे, इस मामले में आपका क्या ओपिनियन है बिंदास कमेंट करके बताओ धक्का मुक्की किए बिना। अगला अपडेट है लव रंजन और अजय देवगन की मूवी दे दे प्यार दे 2 से, जहां रकुल प्रीत और अजय देवगन स्टारर दे दे प्यार दे 2 1 मई 2025 को रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट है SS राजामौली की RRR मूवी से रिलेटेड, जहां ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले RRR को जापान में रिलीज किया गया था और ये मूवी तब से लेकर आज तक जापान के थिएटर्स में ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है भाई। और इसी वजह से जापान में 18 मार्च को एक स्पेशल शो रखा गया है जिसको SS राजामौली भी अटेंड करेंगे। और भाई अभी से ये शो पूरा हाउसफुल हो चुका है भाई साहब, RRR का क्रेज अलग लेवल का है। सोचो अगर बाहुबली आज के टाइम पर रिलीज होती तो क्या बवाल मचाती। वैसे अगर बाहुबली के दोनों पार्ट्स अभी रिलीज होते तो क्या वो इंडिया के लिए ऑस्कर ला पाते? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ट्विटर ने 2023 में इंडियन फिल्म्स के मोस्ट वायरल हैशटैग्स की लिस्ट निकाली है, जिसमें लियो टॉप पे है, जिसके बाद सलार सेकंड पे है, फॉलोड बाय वारिसु। कुल मिला के हैशटैग की लिस्ट को थलापति विजय डोमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और लिस्ट निकाली गई है टॉप हैशटैग्स इन इंडिया की, जिसमें नंबर 3 पर है लियो, नंबर 5 पर है जवान और इस पूरी लिस्ट में सिर्फ एक ही एक्टर का नाम है, वो है रेबेल स्टार प्रभास, जो कि 7वें रैंक पर है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने योद्धा के बाद अपनी नेक्स्ट मूवी भी साइन कर ली है, जहां डायरेक्टर बलविंदर सिंह ने ये रिवील किया है कि नेक्स्ट मंथ से वो अपनी न्यू मूवी में लग जाएंगे। डायरेक्टर बलविंदर सिंह ने रिसेंटली 13 क्या होगा लवली मूवी को डायरेक्ट किया था। एनीवे, उनकी ये सिद्धार्थ मल्होत्रा वाली मूवी एक एक्शन ड्रामा मूवी होगी जो कि उत्तराखंड में सेट होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मूवी पास्ट के बर्डन और गिल्ट को लेके होगी, जहां मूवी का हीरो अपने घर परिवार और अपनी मिट्टी को बचाने की कोशिश करेगा। और डायरेक्टर साहब का ये भी कहना है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ऐसी मूवी अपने करियर में पहले कभी नहीं की है। आगे बात करें पृथ्वीराज सुकुमारन की गोट लाइफ मूवी से, तो इस मूवी का म्यूजिक लॉन्च इवेंट 17 मार्च को होने वाला है और इस मूवी में म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। साथ ही साथ इस मूवी के OTT राइट्स हॉटस्टार ने खरीद लिए हैं। तो अगर आपके शहर में ये मूवी रिलीज नहीं होती है थिएटर्स में तो आपको पता ही है कि इसका इंतजार आपको कहां करना है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें धनुष की कुबेरा मूवी से, तो रिसेंटली महाशिवरात्रि पर इस मूवी का फर्स्ट लुक ड्रॉप किया गया था और कल से इस मूवी की शूटिंग का नया शेड्यूल भी बैंकॉक के अंदर शुरू हो गया है। नेक्स्ट अपडेट है एक तेलुगु मूवी ओम भीम बुश से, जहां इस मूवी का ट्रेलर 15 मार्च को ड्रॉप किया जाएगा। साथ ही साथ इस मूवी के पोस्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग है भाई, और उतना ही इंटरेस्टिंग है इस मूवी का प्लॉट, जो कि 3 साइंटिस्ट के बारे में है जो कि रिसर्च के लिए एक गांव में जाते हैं, पर वहां जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि गांव में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें होती है। अब कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक कॉमेडी मूवी है, तो शुरू में तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया था ये सोच के कि कुछ यूनिक देखने को मिलेगा।
सस्पेंस थ्रिलर और कुछ डरावना मैटर होगा, बट अब देखते हैं, ट्रेलर आने के बाद ज्यादा बातें करते हैं। आगे बात करें तो उर्फी जावेद का बॉलीवुड में डेब्यू होने जा रहा है, जहां वो अपना डेब्यू लव सेक्स और धोखा 2 से करेगी। क्या क्या देखना पड़ रहा है भाई। अब आज कुछ हॉलीवुड से भी अपडेट सामने आई है, जहां पहली अपडेट है सोनी के वेनम 3 मूवी से। वेनम 3 का ऑफिशियल टाइटल हमारे सामने आ चुका है, जो की है वेनम द लास्ट डांस। इसके बाद डीसी के एल्सवर्थ से भी एक अपडेट है, जहां मैट रीव्स एंड रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन 2 अब डिले हो चुकी है। जहां पहले ये मूवी 2025 में आनी थी, अब ये मूवी 2026 में रिलीज होगी। ओके, देन आज की बातें यहीं तक रखते हैं। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे। दिस इज जय सिनेमा वॉचिंग जस्ट एक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।